तेरा भाई खड़ा स्टार्ट से ही चिल है, तू भी वाइब ले रहा तो बेटा चिल। Just chill ले, just chill ले, just chill ले, just chill ले। Live the chill. हम तो 90s kids हैं, कोई है यहाँ पे 90s kid है यहाँ पे 90s वाले? ऐसा घर से शादी का प्रेशर आ रहा है वो वाले बच्चे हैं कोई यहाँ पे, या शादी करके आए हो यहाँ पे? नहीं कोई नहीं, तुम्हारे घर वालों को भी पता है कि इनसे कोई नहीं करेगा ऐसा है क्योंकि मेरे घर वाले ऐसा प्रेशर दे रहे हैं बहुत ज़्यादा कि शादी कर ले शादी कर ले, अजीब अजीब बहाने लगाते हैं। जैसे पापा ना ऐसे ये बोल के आते हैं कि बेटा एक उम्र के बाद ना कोई लड़की देता नहीं है। मैंने कहा देती नहीं है, थोड़ा अलग लाइन्स पे नहीं सोच रहे? मम्मी अजीब अजीब सी बातें करती कि बेटा हम नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा प्रॉपर्टी। और मैं बोल भी नहीं, ये सब चीज़ें मैं बोल नहीं सकता, बस मैं सोचता हूँ क्योंकि घर पे वैसा माहौल बना रखा है। नानी मेरी अजीब अजीब सब ब्लैकमेल कर रही कि बेटा मुझे लग रहा है जब तक तू शादी करेगा ना मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। मैंने कहा अभी क्या वोटर कार्ड बनवा के ला रही है क्या? अभी तो तेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, स्वीट 19 की हो रखी है बुढ़िया, तेरे नाम की ना लकड़ियाँ 3 बार एक्सपायर कर गई हैं। सही में हम वो अजीब अजीब, अब मैं रिश्तेदारों से मिलता भी वैसे हूँ कि नमस्ते मामी नहीं कर रहा शादी, उसको पहले ही शॉक कर दे रहा हूँ, उसने जो अगला सवाल पूछना है उसको पता है पहले से। तो ऐसा है कि पता नहीं तुम्हारी मम्मी वैसी हैं कि नहीं है, वो वाली मम्मी होती है ना जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है ना, जिनका फ़ोन बजेगा तो वो चश्मा ढूंढेंगी है ना, चश्मा मिलेगा फ़ोन मिलेगा, फिर फ़ोन उठा के ऐसे देख रही है, सुमन ये क्यों कॉल कर रही है, उठाना बताएगी वो, उसका मेन पर्पज़ ही यही है कॉल करने का कि वो बता पाए कि मैं क्यों कॉल कर रही हूँ दीदी। और मेरी माँ को ऐसे फ़ोन चलाना नहीं आता, उसको लगता है कि फ़ोन का जो बैटरी लेवल होता है वो फ़ोन का ऑक्सीजन लेवल होता है, 95 से कम हुआ मर मुरा जाएगा ये भाई, जैसे ही 95 हो रहा अपना ठूस दे रही है, किसी का लगाओ अपना ठूस दे रही है, पूछो मम्मी ये क्या कर रहा है, अरे वो कम हो गया था, कम हो गया था पीछे से बढ़ा दिया तुमने बैटरी इसकी, फुला दिया लगा लगा के। ये तो दिल्ली में रहते हैं हम लोग, 200 यूनिट केजरीवाल हमें फ्री दे रहा है, 170 मेरी माँ के फ़ोन में जा रही है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई, नहीं आता फ़ोन वोन चलाने नहीं आते माँ बाप को। जीवन साथी डाउनलोड करना था, मिंट से डाउनलोड कर लिया पहले, ऐसे डेट जो मैरिटल ऐप्स होते हैं ना जिस पे लड़कियाँ मिलती हैं शादी, रोज़ सुबह मुझे 3 लड़कियों की फ़ोटो भेज दे रही है। अब बंदा सुबह सुबह उठा 3 लड़कियों की फ़ोटो आ गई, हफ्ते बाद पूछ रही है कह रही कोई पसंद आई, मैंने कहा सारी, तो मैंने कहा सारी बढ़िया। अब ऐसे कैसे आप, हाउ कैन यू चूज़, लड़कियाँ 2-3 तरह की होती हैं ना, ऐसे एक क्यूट होती है, एक होती है और क्यूट सुपर क्यूट, एक लड़की होती है जिसको देख के तुम्हें अंदर से आवाज़ आती है कि दुल्हन ही दहेज है, तुम्हें लगता है अरे इससे तो मिलना पड़ेगा यार, है ना, क्यूट वाली लड़की भाई। ऐसी सी एक लड़की से मैं मिलने चला गया मम्मी के प्रेशर में आके कि जाके मिल के आता हूँ। मैं मिलने गया भाई, उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर आ जाओ, आई हैव बॉट ए न्यू कार, लेट्स गो ऑन अ राइड। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके घर पहुँचा, अपनी बाइक लगाई, मैंने कहा मैंने बेल रिंग करी, बाहर आई करी, पानी वानी पियोगे? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। गाड़ी के पास लेके गई, ब्रांड न्यू गाड़ी, पीछे एल बना हुआ है, स्पार्कल टेप से एल बना हुआ है। तो मैंने कहा ये एल ये तुम्हारे लिए है? कह रही हाँ ये तो लेडी ड्राइवर का होता है ना। मैंने कहा वो पानी ला रही हो तो गंगा जल डाल के लाना, जिस हिसाब से तुम्हारा चल रहा है, बैठे हैं बैठे बैठे ना। कह रही सीट बेल्ट लगा लो, मैंने कहा कफन पहन लूँगा, आप तो चिंता क्यों कर रही हो भाई, मैं भागा हूँ पता है उस लड़की, उसके बाद मैं किसी लड़की से फालतू मिला नहीं हूँ, मतलब उसकी गाड़ी से मैं तब कूदा, देख मेरे को सही चल रही थी वो, आई टोल्ड हर कि रैश ड्राइविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम आराम से चलते हैं, वो आराम आराम से ही चल रही थी, ऐसा 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ऐसे राइट से मधुमक्खी ओवरटेक कर रही है हमें, है ना, लेफ्ट से कबाड़ी वाला अपनी लकड़ी की रेडिया से हाँटते हुए ले जा रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई सूखा कूड़ा गीला कूड़ा इसने मिला, मैंने कहा लाइफ इज़ टू शॉर्ट फक इट, ऐसे चल तो धीरे धीरे चल रहा हूँ भाई, तब तक भी मेरा पेशेंस मैंने बरकरार रखा। मैं पता कब कूदा हूँ, जब सामने तुम्हें रेड सिग्नल, ऐसे ग्रीन सिग्नल का रेड सिग्नल हो रहा है और तुम्हारा ड्राइवर ब्रेक लगाने के बजाय नीचे देख रहा है, मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले ले मुझे भी नहीं आती प्रोग्रेस है, ऐसे लगा दिए गाड़ी। और 90s किड्स का थोड़ा ऐसा था कि हम लोग ना प्यार लव मैरिज अलाउड नहीं थी, अब तो जो नए लोग हैं नए बच्चे हैं वो घर पे बता सकते हैं दे कैन गेट मैरिड, लव मैरिज मेरे घर पे अब अलाउड है, ऐसे परसों अलाउ हुई है, जब उनको समझ आ गया, मेरे को आके कह रही है कि बेटा एक काम कर तू खुद ही देख ले, मैंने कहा खुद ही देख ले, जब कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी लड़कियों की
तब तुमने उससे बात नहीं करने दी मुझे लड़कियों से, हैं अब तुम कह रहे हो खुद ही थे। अब बहुत बहुत मुश्किल है ना, यू डोंट, एक तो लड़कियों को पता लग गया है कि लड़कियों की पावर क्या है ना, तुम इनको टेक्स्ट करो वो रिप्लाई ही नहीं कर रही हैं। मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरे ऐसे मतलब 1 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे और 15-20 लाख व्यूज़ जाते हैं। भाई साहब तुम्हें लगेगा कि मेरे को फीमेल अटेंशन मिल रही होगी, मिल रही है, लेकिन MLM वालियों की। वो ऐसे टेक्स्ट करके कहते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ, मैंने कहा बताओ किस तरफ जुड़ना है, कह रही हम 3 को जुड़ना पड़ेगा, मैंने ये तो और भी बढ़िया बात है, मैंने कहा बताओ तीसरे बंदे का नंबर दो, ग्रुप बनाता हूँ, फिर वो मुझे बुलाती है सुबह सुबह दीपक सर के पास। अरे क्या सीन है यार, सही में यार मैंने वैसे देखा है लड़कियों को ना टेक्स्ट करो, एक तो लड़के करते हैं पूरा प्लान करके टेक्स्ट करते हैं ना लड़कियाँ, मेरा जिस दिन 1 लाख फॉलोअर हुआ ना, मैंने कहा अब तो गेम सेट हो गई, मैंने ब्लू टिक खरीदा, मैंने कहा अब आएंगे मैसेज। भाई साहब एक ऐसा मैसेज आया मैं अंदर तक शूक हो गया, सही में मैं अपना ऐसे मुझे लगा मैं चिल कर सकता हूँ क्योंकि लोग मेरे पास आ रहे हैं, लड़कियाँ आएंगी। भाई एक लड़की ने टेक्स्ट करा है बिना क्वेश्चन मार्क, बिना एक्सक्लेमेशन मार्क, बिना किसी कैपिटलाइजेशन के, उसने मेरे इनबॉक्स में छोड़ दिया है एक्सक्यूज मी। अब क्या करूँ मैं इस एक्सक्यूज में, मैं साइड हट जाऊँ प्रोफाइल के ऊपर से निकलोगी हैं, तो मुझे ही बात स्टार्ट करनी पड़ी। मैंने कहा हाय कैसी हो, कह रही मैं बढ़िया, मैंने आपका काम देखा बहुत अच्छा है, मैं भी पोइट्री करती हूँ ये वो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा आज तो ट्यूसडे है तो कल क्या कर रही हो तुम, तो कह रही नहीं नहीं लेट्स गेट टू नो ईच अदर। मैंने कहा ठीक है लेट्स गेट टू नो ईच अदर। उससे पूछा भाई 2 घंटे बात कर लिए, उसके बाद बता रही, कह रही हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, मैं डॉक्टर भी हूँ। पहले नहीं बताना होता, मैंने कहा कॉरेस्पॉन्डेंस से करी है क्या आपने MBBS, डॉक्टर भी हूँ। मैंने फिर मना कर दिया, मैंने नहीं करना चाहता आपसे शादी। कह रही क्यों क्या हुआ, मैंने कहा क्योंकि यार तुमने डॉक्टर इतनी लेट, और डॉक्टर की मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना, मुझे कौन सा रोज़ कुत्ता काट रहा है ट्रीटमेंट के अंदर, नहीं नहीं ना इससे बढ़िया तो रशियन होती, मैं कम से कम मैं रोज़ यूज़ तो कर पाता तेरे स्किल्स। कुंडली भी नहीं मिलानी पड़ेगी रशियन से, है ना। और होता है, फिर मैंने सोचा कि यार एक बार बात करता हूँ लड़कियों से, पर लड़कियों का मुझे समझ में आया भाई जब तुम उनको टेक्स्ट करते हो ना, एक तो भाई लड़कों ने धंधा बना रखा है दिन की 100 लड़कियों को मैसेज डाल दिया और वो भी लंबे वाला है ना, कि हाय कॉमा तू 10th में फेल था इंग्लिश में, ऐसे पूरे फॉर्मेट में लिख रहा है कि हाय कॉमा स्पेस स्पेस, नीचे शुरू कर रहा है कि आई नो दिस इज अ लिटिल आउट ऑफ द ब्लू बट आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन योर प्रोफाइल। पहली बात तो कोई लड़का किसी लड़की की प्रोफाइल पे आज तक स्टम्बल अपॉन नहीं हुआ है, उसको उसका दोस्त भेजता है प्रोफाइल और वो मैसेज ये चिपका चुका है कि आई नो दिस इज अ लिटिल आउट ऑफ द ब्लू बट आई कुड नॉट हेल्प बट जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन योर प्रोफाइल, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, ये मेरे बाप की जमीन के कागज, ये माँ के कुंडली, ये सब लगा के लंबा सा मैसेज भेज रहे हैं, लड़कियाँ नहीं कर रही रिप्लाई। और ऐसा भी नहीं कि लड़कियों को जो लड़के पसंद आ रहे हैं वो उनसे बात कर ले रही हैं, वो चुपचाप तुम पसंद आ गए हो लड़की को, वो पूरी प्रोफाइल छान देगी, ऐसे दबे पाँव आएगी ऊपर से नीचे तक चलेगी, है ना, नीचे वाली 2 फोटो लाइक करके अपना सो जाएगी। तू अलार्म सेट करने आई थी है कि ये हरामी सुबह उठेगा तो मेरे को, मैं कि सुनो प्राणनाथ आ चुके हैं, कल रात को 1:32 के तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था, है ना। वो नहीं नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर रही लड़कियाँ, हमें ही टेक्स्ट करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ कुछ लड़कियों से ऐसे बातचीत बनाई, फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि लड़कियों के पास ना एक सेंस होता है कि वो भाप लेती हैं कि ये हरामी फिर उन्हें मना करने के ना ऐसे तरीके पता है कि ऐसे बहाना रखा हुआ है लड़कियों ने, जैसे इफ़ आई में आस्क यू आपका क्या बहाना रहता है अगर आपको किसी लड़के से नहीं मिलना, तो ऐसे फर्स्ट बहाना क्या सोचोगे आप, काम है ना कुछ, है ना, ये सब काम बहाना लगा देंगी। एक लड़की को मैंने टेक्स्ट किया, मैंने कहा हाय आई एम नियर योर प्लेस डू यू वांट टू मीट, कह रही नहीं यार मैं तो जिम आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं जिम करो बढ़िया। एक हफ्ते बाद मैंने उसे फिर टेक्स्ट करा, मैंने कहा डू यू वांट टू मीट, कह रही नहीं यार मैं तो जिम आ गई। मैंने कहा तूने मेरा नंबर संदीप महेश्वरी से सेव करा है कि जैसे ही मेरा मैसेज जा रहा है तू जिम भाग रही है कि इस हरामी को डेट ना करना पड़ जाए, फिट ही हो जाती हूँ, हैं अजीब से बहाने। एक को टेक्स्ट किया, मैंने कहा हाय डू यू वांट टू मीट, कह रही नहीं यार बैड डे इट्स द सेकंड डे ऑफ माय पीरियड्स। मैं कहा कोई नहीं आराम करो चिल। मैंने उसको 10 दिन बाद टेक्स्ट करा है, कह रही कांट मीट सेकंड डे ऑफ माय पीरियड्स। मैंने कहा देख तुझे नहीं मिलना कोई बात नहीं, तू मेरे चक्कर में अपनी साइकिल छोटी मत कर, तुझे ये सब
ये हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है, तू ध्यान रख। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, माय नेम इज बादल शर्मा। हेलो गाइस, दिस इज बादल शर्मा। अभी आपने मेरा स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट देखा, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। स्टॉक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे कॉमेडियंस की वीडियोज भी चेकआउट करो, दे आर डूइंग अमेजिंग स्टफ।